यार बड़ी ठंड है, इतनी ठंड में काम कैसे होगा? एक काम करती हूँ, अभी चाय आने में 15 मिनट है, तब तक एक सुट्टा मार के आ जाती हूँ। पर लॉबी पार करके सुट्टा पॉइंट पे जाना, फिर सुट्टा मार के वापस आना, इसमें तो 12 मिनट लग जाएंगे। शिट यार, अगर मैं सीट पे नहीं मिली तो मेरी चाय नहीं रखी जाएगी। एक काम करती हूँ, सुट्टा शेयर कर लूंगी, फिर 8 मिनट में वापस आके चाय पी लूंगी, तब तक तो चाय आ ही जाएगी, और चाय पी के फिर मस्त काम करूंगी। यार ये मीडिया टीम वालों का बढ़िया है, दिन भर बैठ के बस फिल्में देखते हैं, रील्स बनाने के पैसे मिलते हैं इनको। मैं भी मासकॉम टाइप कुछ कर लेती ना तो मेरी भी लाइफ सॉर्ट होती एकदम बाय गॉड। पर सुट्टा किसके साथ शेयर करूं अब यार, इतनी सर्दी में किसको दोस्त बनाऊं? और ये अकाउंट्स वाले, इनका भी सही है भाई, इतनी सर्दी में कम से कम पैसे की गर्मी में तो बैठे रहते हैं, इनको तो सबकी सैलरी भी पता होगी, कंपनी में कितना पैसा आया कितना पैसा गया सब पता होता है इनको। इससे दोस्ती करती हूँ सुट्टा पॉइंट पे, गॉसिप करेंगे, कम से कम मेरी गॉसिप में तो पैसा आए। मैं भी बहुत जजमेंटल हूँ यार, ये बंदी मुझे एचआर की लगती थी, कल रेंट एग्रीमेंट सबमिट करने गई तो पता चला कि लीगल की है। पर मैं क्यों जजमेंटल, अगर एचआर की नहीं है तो उस दिन रंगोली के पास क्या कर रही थी? खैर छोड़ो, बड़ी ठंड है, बस 1 घंटा टीम मीटिंग होगी, फिर उसमें 50 मिनट का पार नैप लूंगी, मीटिंग खत्म होगी तो लंच के लिए चली जाऊंगी, और लंच से आकर तो वही फीडबैक फॉर्म भरने का टाइम आ जाएगा, फिर क्या शाम हो जाएगी और शाम को आएगी चाय, चाय के बाद सुट्टा ब्रेक, और फिर आ गया अपना घर जाने का टाइम। सही है यार, ऐसा कुछ इशू नहीं है, निकल जाएगा अपना ये सर्दियों का ऑफिस टाइम भी।